राबी एयरपोर्ट से जो होटल्स पे जावे है ना, सब जगह का फिक्स है। मतलब हर होटल के सामने इन्होंने पैसे लिखे हुए थे, डेस्टिनेशन लिख रखी है और उन्होंने प्राइस लिख रखे, पहले ही एक स्लिप है। टाउन में जाने के तो 350 बाट थे, लेकिन जो हमारा होटल है वहाँ पे जाने के 600 बाट है। हाँ, तो हमारा 600 बाट लगा टोटल चार आदमियों का। अकेला जा, चार जा, छह जा, जितने भी उस गाड़ी में फिट हो जाएंगे ना उनका 600 बाट है। 30 मिनट कराबी टाउन यहाँ से 15 मिनट है, वहाँ के 350 बाट है। लेकिन कराबी टाउन में होटल नहीं है। यहाँ पे ना इतने लिमिटेड होटल हैं कि हर किसी को हर होटल का नाम पता। अगर आप 4 या 5 स्टार ले रहे हो तो इतने लिमिटेड होटल हैं बस। लेकिन एक ही होटल में कम से कम आपको ऐसे मिल जाएंगे 500-700 रूम तो मिल ही जाएंगे इजी। कल देखा नहीं, 2-3 बसें एम्प्टी हुई हमारे होटल में। भाई रात में डागई वगैरह भंडारा चला गया, इंडियंस थे सारे और हमारे होटल में कम से कम भी 10 बसें रुकी आगे। ये भाई बारी की डागा इसमें बैठ के हैकिंग शुरू कर देगा। 3 मिलियन भारत है इस कार की कॉस्ट। 3 मिलियन बात तुम अंदर से क्या जलवे है। ओम फोम कॉकपिट सा लग रहा है तो प्लेन में बैठ जा रहा है। टैक्सी के नाम पे गया ना, घर चला रहे हैं पूरा। प्रीमियम नेसी है ऑटो लेके सेंड कर। 23rd century की कार है ये, देखो यहाँ इसी का डोरेमोन का दो है चार्जर में, और वहाँ भी डोरेमोन और छतरी भी डोरेमोन। ये तो कुछ पूरी थीम बेस्ड ही है। हम शायद तो एनीवेयर डोर से जाएंगे। ऐसा कर दोगे तुम? बस आ गया रे, देख आ गया। अच्छा हो रहा। हेलो गाइस, कितने बंदे आते हैं? 9 आ जाएंगे ना, 3-10 पैसेंजर आ जाएंगे, एक ड्राइवर, 6 परिवार घूम लो सोचो। यहाँ पे वेलकम टी मिलती है, ग्रीन टी है ना, टी नहीं है कुछ और, उसके जैसे लग रहा है वो, हनी टी सिर्फ। वुमेन पेल का जूस आया तो थैंक यू, ठंडा है, मुझे लगा गर्म है। जिंदगी में पहली बार होटल में टाइम से पहले आ गए। होटल का चेकआउट 2 बजे है और हम आगे खड़े हो गए यहाँ 10 बजे। जाट बॉयज उठ के भी तो है। तो वे ये कह रहे हैं कि आप 12 बजे तक कहीं घूम जाओ जब तक रूम रेडी हो आपका। गोड्डे टूट गए, ये कर लो। अरे 3000 बाट जमा कर रहे, इतने तो आई नहीं हमारे पे, 6000 बाट तो आई नहीं। ये होटल के सामने वाले कैफे का दीवाला निकल गया क्या? ये मेरा बहुत तगड़ा स्टार्टअप है, तगड़ा है दिख रहा। उन्होंने गूगल से ट्रांसलेट करा तो लिखा दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज फॉर सेल। पूछे कितने रुपए गज है। फोन नंबर मिलाओ क्या? फोन मिलाओ। खेती कर सके मेरा रह गया था चश्मा, तो चश्मा लेने आए थे चौधरी साहब। अब इसे लिफ्ट ले गए सीधा बीच पे पहुंच जाएंगे। एक तो बीच बीच के नाम भी ऐसे हैं, एंग बीच कुछ ऐसा नाम है। मैं ठीक है यार, जब तक चेक इन नहीं हो रहा तब तक बीच पे घूम जाए। ले लो भाई। क्या भाई? नहाने के लिए सामान किसे चाह रहा था? क्राबी स्ट्रीट। स्ट्रीट भी इतनी छोटी है यार, फुटपाथ देख, हमारी मेन रोड से ज्यादा छोटी है। लेकिन रोड साली फिर फुटपाथ जैसी, रोड बदली फुटपाथ छोड़ी। दोनों तरफ की मिला है बहुत तरीके से बना रखा यार इन्होंने। इसके बिल्डर से बात करनी पड़ेगी, मैं अपना नया घर उससे ही बनवा रहा। अच्छा, रोड बनवा रहा है घर में। लेकिन विदेश वाला मजा आ रहा है यहाँ, अब पता लग रहा है कि विदेश में। अब तक तो वरना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नोएडा में ही घूम रहा। पीछे से देख ले रही स्पेस फॉर रेंट, ये स्टूडियो बना लेंगे। लेकिन यार तारों में नहीं निकल पाई हमारे। अरे नहीं देख, वो पीछे क्या दिखेगा, मैक ओएस का वॉलपेपर रियल हो जाएगा ये तो देख तू। तारों में हमारे साथ नहीं निकल पाया। वाईफाई है फास्ट यार यहाँ के तो सड़कों में है तो मजा। लेकिन हर जगह ये टूरिस्ट टैक्सी सर्विसेज, हाँ मतलब टैक्सी और आइलैंड घुमाने के लिए हर कदम कदम पे, तभी तो घूम पाओगे आइलैंड। अगर 2-4 ही होंगे कैसे घूम लेंगे सब। ये सारी एक्टिविटी तो छोड़ दो, मतलब मुझे तो ये वाली करनी है यार। ये कितने में, इसके लिए मैं कितने भी भात देने को तैयार हूँ। इसके लिए सच में भात ही भरना पड़ेगा किसी ने। मेरा लोग पहले इनने कॉपी करा फिर इनने करा, तो मैं ये एक्टिविटी करवाऊंगा। मैं देखो देख रहे भैया आप तो बहुत कूल है यार, कैसे कर लो तुम ये सब? पैसे पूछ लो पहले इससे, पता चला वो तो दिखा 13000 बात है। 13000 मतलब 25000 रुपए में स्पीड बोट जा रही फीफी आइलैंड। बस तो फीफी आइलैंड में बसना पड़ेगा फिर तो। नहीं ये क्या है, 1 इंजन 2 इंजन। 2 इंजन ये हो, 1 इंजन ये हो, 1 इंजन के बीच में हो, 2 इंजन के पीछे 2 इंजन हो, 1 इंजन के पीछे 2 इंजन। यार क्या लॉजिक्स, मैं समझा नहीं पाया तुम्हें, पर तुम समझ गए। मुझे ये वाली एक्टिविटी करनी है। धागा से चूंड में धरेगा पटक तू। ये हमें नहीं पता कौन सा वाला बीच है और इस पे सामने बहुत सारे आइलैंड है। इन आइलैंड की ट्रिप कह रहे हैं कि 7 आइलैंड 4 आइलैंड। मुझे लग रहा है कि 4 पत्थर के टुकड़े वो आइलैंड बता रहे हैं, वही हो गए। जैसे जैसलमेर में मतलब बता देते 3 डेजर्ट और 15 मिनट में ले आया था ये। जैसे छोटे छोटे है ना ये चिकन आइलैंड, तो मुझे ये लग रहा है ये है चिकन आइलैंड। फीफी दूर है यहाँ से, फीफी अराउंड 14-15 किलोमीटर दूर है। सही है यार देख, बढ़िया है। सही क्या, बढ़िया बीच पे वो
वो वाली बस अड़नी। देखिए बिल्कुल खाली जे लॉन्ग टेल बोट बता रहे वो शायद ये वाली है। ये है लॉन्ग टेल बोट, स्पीड बोट हो गया थोड़ी, वो यॉट की तरह की उठी हुई सी रहे। उठा तो तुझे भी दूंगा मैं, तो उठ जाऊंगा खुद ही। बड़ी बोट है यार, हिंदी आ रही है ना समझ में। सेवन आईलैंड का अपना क्रूज बुक करा एक बहुत बड़ा टाइटैनिक के साइज का। सीन क्या हो गया, सीन तो बता अभी क्या ब्लंडर हुआ ट्रिप पे। तो हमारा 1:30 बजे का सेवन आईलैंड का टूर है और वो 8 बजे हमें घर लाके छोड़ेगा। क्या हुआ यहाँ पे, सेवन आईलैंड का टूर है, फिफी आईलैंड का टूर है, होंग और एक और आईलैंड है, तो इनका क्या है, ये है मॉर्निंग आईलैंड। इनका टूर होता है मॉर्निंग से, लेकिन हम आए हैं 9-10 बजे के बाद, तो 1:30 बजे से एक ट्रिप शुरू होता है सनसेट आईलैंड का। और सनसेट आईलैंड है सेवन आईलैंड या फोर आईलैंड, हमने किया सेवन आईलैंड का, जो कि 1200 से 1500 बात के बीच में, अलग अलग बोट आपकी प्रेफरेंस है जो भी है। जो ब्लॉग था वो अपलोड होने में भी 2 घंटे लगेंगे और हमें भी 10:30 बज रहे, तो रचित को वापस जाना पड़ा ब्लॉग करने के लिए। और हमने अभी रचित का ही ना बोल दिया कि 50-50 है, तो उसके पैसे नहीं दिए हम, तीनों ने दे दिया, बट 4 लोगों की बुक कर ली। और यहाँ से बुक करने का भी रीजन यही था, बाकी लोग कह रहे थे कि रिफंड नहीं होगा, फिर या तो करा लो या मत कराओ। इन्होंने लिए ही नहीं उसके, इन्होंने कह दिया कि तुम बाद में दे देना अगर वो आया तो, ड्राइवर को दे दियो, लेकिन होटल लॉबी में 1:30 में मरते मिटते हुए भी पहुंचना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो चाहूं रचित अभी ना साला वहीं फंसा रह जा। भाई ये चीज देखना तो सपना था, ये बल्ब से चलो जहाँ पानी में, मेरा सपना कुछ और देखने का था जो सच नहीं हुआ। हमारे होटल से सबसे नियर बाय एक बीच है और इसी शॉप से हमने अपनी बोट बुक कराई, उसके जस्ट सामने ये बीच है और ये बड़ी मतलब अब तक की बेस्ट बीच है जो मैंने देखी। अच्छा हम ना बढ़िया बीच के साइड में बैठे थे, मतलब मैं ये यहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठा, डागा भी यहाँ बैठा, एकदम इसके ऊपर रेत आगे गिर गई। मैं कोई मतलब नहीं है रेत गिरने का तो यार। अरे वो ऐसा हुआ, मैं ऐसे बैठा था, फिर मैं जब ऐसा हुआ तो मेरी कोहनी पे लग गया, नाट बन रहे कोहनी, देखो पैर कर ली। ठीक है, फिर टाइम हमला, कोई दिक्कत नहीं, एकदम गांव से की दोपहरी लग रही हो, वही बिल्कुल टिटार तकड़ी दूं। और ये एकदम अपोजिट है, लाइक बैंकॉक से पताया से एकदम अपोजिट जगह है ये थोड़ी गोवा वाली वाइब्स है, गोवा वाली वाइब, लेस चिनालपंती और थोड़ा ज्यादा नेचर और ये सब, और सामने पिकनी बेब्स, मतलब धूप सेकने का और आंख सेकने का इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। अब रोड पे आगे कपड़े बदल लिए लोग बिल्कुल रोड के बीच में भी, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पे तुम कोई भी कैसी भी बात कर लो कोई समझता ही नहीं, कितनी गाली दे लो चाहे हिंदी में, कितनी नंगपने की बात कर लो, जैसे कुछ दिख रहा सामने बोल लो। और मैं ये माहौल मुजफ्फरनगर में चाहूँ, समझ रहा हूँ ऐसा तो मुजफ्फरनगर में अगर 3022 में भी हो गया ना, 2022 छोड़ दे, 3022 में भी तो बात है, मुजफ्फरनगर में बीच तो कभी आना नहीं देगा, आ जाएगा काली नदी के धोरे। बता दो काली नदी कहाँ आ रही मुजफ्फरनगर की, नोएडा तक आवे, बढ़िया बड़ी नदी है, कहना पर्दाफाश है, पर यार कहाँ गोल्डन बीच पे बैठ के काली नदी की बात कर रहे हैं। इस बार काली नदी में तैर के चले जाइए ना, नोएडा बोट लगा के, ग्रेक होगा मम्मी, या मॉम, यस आई एम फाइन, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम एंजॉयिंग माय व्हिस्की इन थाईलैंड मॉम, या मम्मी ले जा रहा, ये रे मेरा बच्चा अच्छा साली, सच में ही आ गई ये बीच अब तक की बेस्ट थी यार। यस, और अभी यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम कुछ खाना पैक करा के ले जा रहे रे के लिए। अभी 12 बज रहे और हमें 1:30 बजे तक निकलना, तो इतनी देर में हमें कुछ फटाफट पैक करा के रे के लिए ले जाना पड़ेगा और खुद भी खाना पड़ेगा। आज होटल मिला है 3rd फ्लोर पे विद नो लिफ्ट, या ओनली फुट मसाज, यू माय फ्रेंड, यू 1T03 माय फ्रेंड एंड योर रूम 1T04, ओके दिस इज आवर रूम एंड दिस इज आवर फ्रेंड्स रूम, ओके थैंक्स मैन। ये वाला हमारा रूम है कराबी में, इसमें मिल गए भाई बाथरूम, ओहो, और ये नंगे लड़के जो शर्ट में खड़े हैं मेरे सामने से हट जाएं, ये इसकी बालकनी है, ओह ऐसे खुलेंगे, ये है नजारा, फूल पत्तियां ज्यादा दिख रही। अभी बाथरूम में जो है रे है तो बाथरूम नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ का बाथरूम ठीक है कि आदमी चल पर्दे लगा के ना तो लेगा उल्लासा करके, नहीं तो वहाँ नहीं था ऐसा हिसाब। और हमारा दूसरा रूम ये पीछे की साइड है, यहाँ पे यार हरियाली ज्यादा है, ये गोवा वाली वाइब दे रहा पूरा होटल मुझे, जैसे गोवा में रहना है छोटे छोटे विला। एक तो ये लोकर भाई, मुझे ना ये होटलों में लोकर समझ में नहीं आता, मैं इसमें क्या दबाऊं कि ये मेरा सामान सिंगवाद है, प्लीज लीव द से ओपन व्हेन चेकिंग आउट, पता नहीं आ रहा इनके पास तो रहता होगा, इन्हें रीसेट करने का भी पासवर्ड यार, इसमें कैसे मान लू मैं कि मेरा सामान सेफ है। साथ में दे रहे हैं आपको एक भाजी लाने के लिए बैग, फोर्स क्यों रहे यार, और ये देखो कितना बढ़िया है, जब तक हटी हुई है तब तक तो होने,
लगाते ही ऑफ है। हाँ, कोजी वाइब्स। ये बाथ टब जिसका यूज हम आज रात फिर से करेंगे, मैं और अक्षित। मैं अक्षित वाली शर्ट पहनना क्योंकि हमारा थोड़ा लगेज ज्यादा था, तो एक दूसरे के कपड़े पहन के आना पड़ा। इसके ऊपर फिर मैं जैकेट पहन के आ गया था। और ये वापस कपड़े डालने के लिए बास्केट हो गई है। और ये असली सिंहासन राजा वाला। यार ये क्यों देना होटलों में यार, इतना टाइम किसके पास है? कपल आएंगे वो टीवी नहीं देखने के, हम जैसे आएंगे हम बाहर घूमने चले जाएंगे, तो हमें टीवी देखने का टाइम नहीं है, तो क्यों देना? बंद करके भाई अभी चलते हैं वापस। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कराबी में बहुत सारे होटल हैं, लेकिन थाईलैंड में देखो एक ही सजेशन दूंगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी करो 4 या 5 स्टार ही करो, तो आपको अपने सामान को लेके थोड़ा सा भी संकोच नहीं होगा। 4-5 स्टार होटल अपनी रेपुटेशन पे नहीं आने देते, वैसे तो आने दे मैं विराट कोहली का भी अंदर वीडियो बना देती रूम की, पर फिर भी यार सामान वामान चोरी नहीं होता। वरना बाहर की कंट्री में जब भी आप जा रहे हो 1 हफ्ते 2 हफ्तों के लिए, 7-8 दिन के लिए, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको कुछ बहुत एक्सपेंसिव बहुत लग्जरियस कुछ चीज चोरी हो जाए। तो इसलिए अच्छी प्रॉपर्टी करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना पासपोर्ट वगैरह रख के जा सकते हो रूम में। वरना शुरू में जब मैंने पासपोर्ट रखते भी थोड़ा सा दहल लेते हैं, मैंने कहा यार यही एक पहचान है, तो आधार कार्ड मोदी जी का मना कर देंगे इनको। What are you showing? Passport. लेकिन बिजली के खंबे इंडिया जैसे ही हैं इनके, ये देखो। और भाई ये तो बिल्कुल ही गोवा लग रहा है इधर से, तो बिल्कुल ही गोवा लग रहा है यार। इनके यहाँ पे इतना पुराना चला है 14 वाला हिसाब, इंडिया में बहुत पहले आया करता था। इसमें यहाँ कोयल सी रख दिया थे वो, फिर ये इलेक्ट्रिक ऐसे चलता है। बहुत पहले याद है मुझे, देखो मामा के यहाँ थे, मामा के ही रहते थे मेरे। हाँ मामा अमीर थे ना मेरे, नहीं वे इतने अमीर थे कि वे ऐसे ही शौक में कर ले थे सबका। मच्छर तो यार अमीरों का भी लगे, हम तो मच्छरदान नहीं यूज करा करते। बिजली आवे थी क्या तारे यहाँ? कौन से साल में? 1997 में। बताओ पंच लाइन एक बार कलेक्ट करके लिया सारी। हाँ तो गाइस अक्षित मेरे कपड़े पहन रहे, टी-शर्ट मेरी पहन रहा। ये अगली ट्रिप से बंदी है लाना, किसी काम का आदमी नहीं। मेरा मेरा बंटा भी किसी ने। और बैग इतना भर के ला रखा, नहीं तो खाली ले आता। जींस की मतलब थाईलैंड जींस लाने का क्या मतलब? मेरी मम्मी ने लगाया ना बैग। माँ का प्यार है यार, क्या मना कर। गरम कपड़े लाया भर के होशियार। थाईलैंड को कितनी ठंडी कंट्री मान रहा तू? मैं तो इतनी ठंडी सोच रहा था। मुझे लगभग लग रहा है कि 1:20 हो गए, एक व्यक्ति हमारे नीचे वेट कर रहा होगा जो हमें अभी स्पीड बोट में बिठा गए 7 आइलैंड घुमाने वाला है। 1-7-7-7-1-7 टूटे हो गए भाई, असली मर्द के बच्चे सीधा इससे ही चढ़े हैं। ये देखो कमजोर हो साइड से वो पीछे कैसे रह रहे? सब सके रहने चाहिए हम तो। हमारा 7 आइलैंड पे टूर है ना अभी, 2-3 तो मुझे लगा रूंगे में जाएंगे। कपड़े तो लाए नहीं यार हम, शॉर्ट्स लानी चाहिए थी। तुम्हारी एनर्जी मुझे डाउन लग रही है, दिखाओ। यहाँ पे काफी ऊपर तक पानी है बोट तक जाने के लिए, पैंट और ट्राउजर्स पहन के आगे होशियार लोग। इधर देखो आइलैंड के टूर पे आए लेकिन शॉर्ट्स लाना भूल गए। अब दिक्कत ही हो रही है कि कपड़े पानी में जाके निकालने, नहीं तो उससे पहले कोई यही तो यूं कहेगा कि बावले ही है, क्योंकि 1 घंटा है हम और क्या ही करेंगे। बात ये लड़के सारे शॉर्ट्स में, लड़की तो बिकनी में भी, तो लड़की से शर्माना आ नहीं रहा, मैं शर्मा रहा लड़कों। हाँ तो ये क्या है? ट्विन आइलैंड। 7 आइलैंड के पहले 2 आइलैंड है ट्विन आइलैंड, इनके बीच में एक रास्ता है जो कि हाई टाइड में कवर हो जाता है और लो टाइड में अभी वो रास्ता बना हुआ हो रहा है। बीच है मतलब बिल्कुल पूरा, तो बिल्कुल बीच है एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड। ये दो आइलैंड कनेक्टेड हो चुके अभी। बहुत बुंडा आ रहा है ना सोच, यूं ना सोचो स्टाइल लगेगा। भगवान इतना मुंडा भी किसी को ना बनावे, इतना तम हो। रहने दे अपनी शक्ल देख के बोल। पत्थर अड़ गए थे भाई नीचे। बोलते ही क्या हुआ? इनमें तो सिलक तो ही मोती है सिद्धि इंसान की। भगवान को बुरी लगी है बात इनके बारे में ऐसा बोल रहा तुमने। पानी में नमक इतना डागा, दा जाइए अंदर एक बार, फोटो तक ले ले पानी को। मैं क्यों लूं? आंख में मत जान दियो पानी बिल्कुल। आंख में जत्तो तो मोतिया बिंदु। पैर में चुभ गया यार कुछ ज्यादा, पैर मत हिलाओ ज्यादा, पैर हिलाने से तो चुभ रहे। अच्छा हुआ कि हम इस लॉन्ग टेल नुकीरदार तेरा लॉन्ग टेल बोट से नहीं।
फजीता ही है फजी... बत्तक बन रही ऊपर बत्तक तो तेरी बना दूंगा पानी में मस्त थी हो नहीं यार ये फजीता ही है तो कल तक पहुंचाएगी लेकिन लोग कम जा रहे हैं भाई इसमें।